नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं एक बहुत बड़ी खबर को लेके, शायद जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, क्या आपको पता है आपको 75,000 के बदले 79,715 रुपये वापस करने होंगे। दोस्तों, आप बात तो समझ ही गए होंगे किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, बीसी सखी सपोर्ट फंड को लेके सरकार रीपेमेंट शेड्यूल जारी कर चुकी है। दोस्तों, ये शेड्यूल जो है UPSRLM मुजफ्फरनगर के द्वारा बीसी सखी सपोर्ट फंड रीपेमेंट शेड्यूल जारी किया गया है। इस नोटिस में क्या कुछ लिखा है, इस चीज़ को मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर आपको इस नोटिस को अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। दोस्तों, ये सूचना मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन गोमती नगर लखनऊ के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी जनपद उत्तर प्रदेश को भेजी गई है। दोस्तों, इसमें यही कहा गया है कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा 21 जुलाई 2021 को 75,000 रुपये सपोर्ट फंड के तौर पर जारी किए गए थे और उसमें 4% वार्षिक ब्याज दर की तौर पर आपसे सरकार के द्वारा इसको रीपेमेंट करने की बात कही गई थी। तो दोस्तों, अब 3 महीने के रीपेमेंट शेड्यूल यानी कि मोराटोरियम के बाद आपको वो समय आ गया जब आपको 75,000 रुपये को सरकार को वापस लौटाने हैं। कई बीसी सखी बहनों इस फंड का इस्तेमाल भी नहीं कर रही, कई बीसी सखी बहनें तो उस पैसे को स्वयं सहायता समूह के खाते से निकाली भी नहीं है। लेकिन अब उन लोगों को बीसी सखी से संबंधित जो भी शासनादेश हुआ उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में बीसी सपोर्ट फंड जो 75,000 की धनराशि जारी की गई थी उस पर 4% वार्षिक ब्याज पर बीसी सखी को उपलब्ध कराई गई है, जिससे 3 माह के मोराटोरियम पीरियड के बाद आपको अब रीपे किया जाना है। जी हाँ दोस्तों, अब वो भी आप रीपे करेंगे स्वयं सहायता समूह के खाते में। दोस्तों, आप बात समझिए किस तरीके से सरकार पहले पैसे स्वयं सहायता समूह के खाते में डालती है, फिर वहाँ से आप एक बीसी सखी बहन जो एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य थी, आपको बीसी सखी बहन बनाया जाता है और वहाँ से पैसे निकाल के आपको आपके ऑफिस सेटअप के लिए सामान खरीदवाया जाता है। फिर आपका काम चल रहा या नहीं चल रहा, आपको अच्छे खासे कमीशन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आप सकुशलतापूर्वक अपने काम को अंजाम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, इस चीज़ को नहीं देखना। अब आपको 75,000 रुपये को जो भी आपको जितने भी ऑफिस का सेटअप का सामान आपने लिया है उस पैसे को अब आपको सरकार को अगले 3 साल में किस्त वाइज लौटाने हैं। आप अपनी किस्त 18 महीने का भी बनवा सकते हैं या फिर आप अपनी किस्त 36 महीने का भी बनवा सकते हैं। अगर आप 36 महीने की बात करते हैं तो आपको 75,000 रुपये पर 79,715 रुपये कुल चुकाने हैं, यानी कि 4% वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से अगर सितंबर से पेमेंट किया जाता है तो 2214 रुपये, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हर महीने आपको पेमेंट करना होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आने वाले समय में क्या कुछ सरकार के द्वारा शासनादेश आता है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेने के लिए आपको मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा। और निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि जो भी इस तरीके की सूचना मेरे पास आती है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगर मैं बताऊँ 75,000 रुपये को लेकर, तो सरकार अब आपसे 75,000 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से इसी सितंबर महीने से आपको अपने स्वयं सहायता समूह के खाते में 2214 रुपये जो भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया वो आपको जमा करने हैं, यानी कि ऐसे ऐसे करके आपको 36 किस्तों में आपको पैसे लौटाने हैं। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।